Hello friends, welcome back to our YouTube channel. I am back with another lesson. In this video, we will be discussing about the verb had and its uses as well. So friends, if you haven't subscribed to the channel yet, please subscribe it and touch the bell icon to get our latest video updates. So let's get started. Using had in different ways. फ्रेंड्स, हैव और हैज इन प्रेजेंट वर्ब्स का पास्ट फॉर्म है हैड। जैसे हैव या हैज का अर्थ पास है, वैसे ही हैड ये पास्ट वर्ब होने से उसका अर्थ है पास था या पास थी या पास थे। फॉर एग्जाम्पल, प्रेजेंट टेंस में उसके पास एक मर्सिडीज कार है। He has a Mercedes car. उसका ही past tense होगा। उसके पास एक Mercedes car थी। He had a Mercedes car. उसका question कुछ इस तरह होगा। क्या उसके पास Mercedes car थी? Did he have a Mercedes car? और negative sentence? उसके पास मर्सिडीज कार नहीं थी। ही डिडंट हैव अ मर्सिडीज कार। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। कल हमें छुट्टी थी। वी हैड अ हॉलिडे यस्टरडे। क्या कल हमें छुट्टी थी? डिड वी हैव अ हॉलिडे यस्टरडे? उसके चेहरे पे मुस्कान थी। She had a smile on her face. उसे अमीर होने की तीव्र इच्छा थी। He had a strong desire to get rich. कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस। उसके साइकिल को ब्रेक्स नहीं थे। His bicycle had नो ब्रेक्स। मुझे इसके बारे में कभी भी कोई संदेह नहीं था। आई नेवर हैड एनी डाउट अबाउट इट। हमें कल छुट्टी नहीं थी। वी डिडंट हैव अ हॉलिडे यस्टरडे। और वी हैड नो हॉलिडे यस्टरडे। सम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। क्या तुम्हें कल छुट्टी थी? डिड यू हैव अ हॉलीडे यस्टरडे? और हैड यू अ हॉलीडे यस्टरडे? क्या आपको वहां कोई तकलीफ हुई? डिड यू हैव एनी ट्रबल देयर? क्या आपका सफर अच्छा था? Did you have a good journey? चलो had के और use भी देखते हैं। Had is used in place of ate or drank. ate और drank इनकी जगह पे हम had का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है खाया या पिया। खाया या पिया इसके लिए had का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने खाना खाया। ये सेंटेंस हम आई एट माई डिनर ऐसे बोलते हैं, लेकिन एट की जगह हैड का यूज कर सकते हैं। जैसे आई हैड माई डिनर। उसने थोड़ा पानी पी लिया। ही ड्रैंक सम वाटर। यही बात हम ही हैड सम वाटर ऐसे भी कह सकते हैं। Had is used for expressing feelings and illness. Feelings कोई भावना और illness बीमारी को बताने के लिए had का use होता है। जैसे मुझे एक आशंका थी या मुझे एक शंका थी। I had a doubt.
बीमारी के बारे में बताने के लिए भी हैड का यूज होता है। जैसे उसे कल रात बुखार हुआ था, ही हैड अ फीवर लास्ट नाइट। कल मेरे सिर में दर्द था, आई हैड अ हेडेक यस्टरडे। हैड इज यूज टू शो पोजिशन। अपने पास कुछ था, कोई चीज थी, ये बात बताने के लिए हैड का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक डायमंड नेकलेस था, आई हैड अ डायमंड नेकलेस। मेरे पास डायमंड नेकलेस था लेकिन अब मेरे पास नहीं है, ऐसा अर्थ यहाँ पे ध्वनित होता है। उसके पास एक आईफोन था, ही हैड एन आईफोन। हमारे पास दो बिल्लियाँ थी, वी हैड टू कैट्स। भूतकाल की कोई पोजेशन बताने के लिए, मतलब जो चीज़ थी लेकिन अब नहीं है, ये बताने के लिए हैड का इस प्रकार यूज किया जाता है। हैड ये एक हेल्पिंग वर्ब भी है जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज होता है। जैसे तुमने कल मुझे एक ईमेल भेजा था, यू हैड सेंट मी एन ईमेल यस्टरडे। क्या कल तुमने मुझे एक ईमेल भेजा था, हैड यू सेंट मी एन ईमेल यस्टरडे। तुमने कल मुझे ईमेल नहीं भेजा था, यू हैड नॉट सेंट मी एन ईमेल यस्टरडे। और यू हैडन्ट सेंट मी एन ईमेल यस्टरडे। उसने मुझे एक किताब दी थी, शी हैड गिवन मी अ बुक। क्या उसने मुझे एक किताब दी थी, हैड शी गिवन मी अ बुक। उसने मुझे किताब नहीं दी थी, शी हैड नॉट गिवन मी अ बुक। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने हैड के सभी यूजेस को ठीक तरीके से जाना है और उसकी प्रैक्टिस भी आप करने वाले हो। सो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। Thanks for watching and goodbye.